ग्वालियर जिले के बिजौली इलाके में अपनी पत्नी का इलाज कराकर वापस घर जा रहे एक दलित दंपत्ति को अपाचे बाइक सवारों ने लूट लिया। दरअसल बिजौली के रहने वाले आकाश वाल्मीकि की पत्नी की तबीयत खराब थी, वो उसे दवा दिलाने शहर में आया था और वापस जब घर जा रहा था तो मुख्य सड़क से जैसे ही वो अपने गाँव की ओर मुड़ा वैसे ही अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाश आ धमके। उन्होंने दंपत्ति को डरा धमका कर उनके दो मोबाइल, कान के टॉप्स और सोने का पेंडल लूट लिया। जान से मारने की चेतावनी देकर बदमाश फरार हो गए। बिजौली पुलिस ने अज्ञात बदमाशों खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल लुटेरों का सुराग नहीं मिला। इसका कहना है कि सीसीटीवी कैमरों में ज्ञात बदमाशों के सुराग पाने की कोशिश की जा रही है। बीती रात आकाश वाल्मीकि अपनी पत्नी को इलाज करा के वापस गांव रतवई जा रहा था। जैसे ही वो मुख्य सड़क से अपने गांव की ओर मुड़ा तो उसका कहना है अपाची गाड़ी में 3 से 4 लोग आए पीछे से और उन्होंने गाली गलौज की और धमकी दी और जो उनके पास 2 मोबाइल थे और सोने का पेंडल था और कानों के टॉप्स थे वो छुड़ा कर ले गए हैं। हमने तत्काल लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभी आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो चेक कर रहे हैं, निगरानी बदमाशों से पूछताछ कर रहे हैं। जैसी ही कोई जानकारी लगी तो इसका शीघ्र खुलासा किया जाएगा।